अयोध्या दुर्गा पूजा प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा को सकुशल संपन्न करने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। वहीं जिला अधिकारी अनुज कुमार झा एसएसपी आशीष तिवारी ने प्रशासनिक अफसरों के साथ जीआईसी ग्राउंड का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं इस दौरान केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष मनोज जायसवाल सहित समिति के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं कल माँ दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन को लेकर रोड का भी निरीक्षण किया गया। कल जीआईसी ग्राउंड से निकलेगी माँ दुर्गा प्रतिमा विसर्जन की शोभा यात्रा। शोभा यात्रा फतेहगंज सुभाष नगर बाजार चौक व रिकाबगंज होते हुए जाएगी। विसर्जन स्थल के निर्मली कोड पर जहाँ दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा, वहीं शहर में 52 प्रतिमाओं का विसर्जन भी होगा। सुरक्षा के मद्देनजर विसर्जन मार्ग को 5 जून 14 सेक्टर में बांटा गया। मजिस्ट्रेट की तैनाती भी की गयी। संख्या में लगाई जाएगी पुलिस। वहीं चौक के मुस्लिम समुदाय के लोग दुर्गा प्रतिमा पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। देखिए, दुर्गा पूजा के त्यौहार में आज नवमी का त्यौहार है और दुर्गा पूजा में पर्याप्त सुदृढ़ पुलिस व्यवस्था की गई है और जो हमारे स्थान पर जहां पांडाल स्थापित हैं और इसके अलावा जो जहां पर रामलीला हो रही है वहां पर पुलिस बल को ड्यूटी लगाई गई है और इसके अलावा जो हमारे मुख्य रूट हैं और मार्गों पर जो भी चौराहे तिराहे हैं, संवेदनशील जो भी पॉइंट हैं, गलियों के मोड़ हैं, गलियां हैं, वहां पर भी जो है वहां पुलिस बल की ड्यूटी लगाई गई है और पुलिस पीएसी पर्याप्त पुलिस बल के हैं। इसके अलावा सादे वस्त्रों में भी पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। महिला थानाध्यक्ष और महिला उपनिरीक्षक पुलिस बल पर्याप्त संख्या में इनकी ड्यूटी है और वो मोबाइल में हैं। कल विसर्जन का जो त्यौहार है उसको लेकर के पूरी तैयारी की गई है और विसर्जन के रूट पर और विसर्जन जुलूस में अधिकारीगण और उसमें पुलिस बल की जोन और सेक्टर्स में डिवाइड करके सब पुलिस बल को व्यवस्थापित किया गया है। जो विसर्जन स्थान है वहाँ पर भी पर्याप्त पुलिस बल की ड्यूटी और जिम्मेदार अधिकारीगण वहाँ तैनात हैं। मजिस्ट्रेट साहब की ड्यूटी वहाँ लगाई गई है। इसके अलावा फ्लड हमारे जो फ्लड प्लाटून है उसको वहाँ स्टेशन किया गया है। जो वहाँ नाविकगण हैं उनको नाव सहित ड्यूटी करने के लिए उनको मोटिवेट किया गया है। उनको वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे और हमारे शहर में लगभग 150 से अधिक जो है वो प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं पंडालों में और ये आज रात से उनके विसर्जन का एक तरह से कार्यक्रम प्रारंभ होगा। जब प्रतिमा अपने स्थापना की स्थल से चल करके और जीआईसी के मैदान में लाई जाएंगी और कल फिर जो है सुबह 11 बजे जीआईसी के मैदान से निकल करके और विसर्जन स्थल तक जाएंगे, वहाँ विसर्जन होगी। इसका पूरा रूट जो है वो देख लिया गया है। इस पर जितने भी कार्य थे, जहाँ कहीं रास्ता ख़राब था तो उसको दोबारा बनवा दिया गया या उसका जो पॉट फिलिंग है वो करा दिया गया। जहाँ पे बिजली के तार नीचे थे उनको ठीक करा दिया गया है। इसके अलावा साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। सुरक्षा का बहुत विशेष ध्यान रखा गया है। पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल जो है तैनात किया गया है। पूरे विसर्जन मार्ग को 5 जोन 14 सेक्टर में बांटा गया है और इसमें मैजिस्ट्रेट की तैनाती गई है और पर्याप्त सुरक्षा बल लगाया गया है। इसके अलावा भी हमारे सभी जो सर्विस के डिपार्टमेंट हैं वो भी सब साथ रहेंगे और ये पूरा हम लोगों का प्रयास है और विश्वास भी है कि जो आज रात के बाद जो विसर्जन का कार्यक्रम है वो सकुशल और सुरक्षित तरीके से इसको संपूर्ण कराया जाएगा। जिस तरह से 1150 मूर्तियों के अलावा प्राइवेट मूर्तियां हैं जो घरों में बैठाई जाती है और अलग से बैठाई जाती है, उनका भी विसर्जन होना है जी, लेकिन वो बीच में डिस्टर्ब करती हैं मूर्तियों को। देखो, जितनी भी हमारी समितियां हैं, जो हमारी केंद्रीय पूजा समिति है और जो हमारे ग्रामीण इलाकों की भी समितियां हैं, उनसे हम लोगों ने स्वयं तथा हमारे सभी SDMs जो गांव ग्रामीण इलाके से मूर्तियां आती हैं उनके लिए SDMs ने भी उनके साथ बैठक करके और वो कोऑर्डिनेशन कर लिया है। कहीं अगर कोई अकस्मात आती भी है मूर्ति तो उसको अच्छे तरीके से शामिल करके उसका विसर्जन कराया जाएगा। इसमें कहीं कोई अप्रिय स्थिति नहीं आने दी जाएगी। घाट पे क्या इंतजाम किए गए हैं? घाट पे विसर्जन के लिए घाट विशेष तौर पर बनवाया गया है। वहाँ प्रकाश की व्यवस्था रहेगी, सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था रहेगी और जो जहाँ पौंड में मूर्तियाँ डाली जानी है वहाँ पे गोताखोर की व्यवस्था रहेगी। जो हमारे बाढ़ की जो चौकी है पुलिस की वो भी वहाँ मुस्तैद रहेगी ताकि कहीं कोई दुर्घटना ना होने पाए। तो वहाँ पे सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं और प्रकाश व्यवस्था अच्छी है, सफाई व्यवस्था है, तो सारी व्यवस्थाएँ की गई हैं। कंट्रोल रूम बनाया गया है, क्या कोई नंबर जारी किया गया है? जी, ये जो है कलेक्ट्रेट में जो सिटी मैजिस्ट्रेट का दफ्तर है उसको कंट्रोल रूम के रूप में स्थापित किया गया है।
ताकि 24 घंटे कहीं से भी